निकल रहे हैं अलीगढ़ के लिए और हम सब हो चुके हैं रेडी, दीदी सब हो चुके हैं रेडी, तो अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। हम पकड़ेंगे बस अलीगढ़ की। सुबह हो रहा था खोरा और अब धूप निकल रही है अच्छी खासी, जब हम अलीगढ़ के लिए निकले हैं निकल आए तो इस वजह से हमको ज्यादा ठंड भी नहीं लग रही। मैंने इसलिए कम कपड़े पहने हैं इस बार, मैंने क्या सब नहीं आता कम कपड़े पहने, मम्मी ने इतने सारे कपड़े पहने थे उन्होंने भी कम पहने हैं जी। और हो जाए कि बस में जाए हमको सीट मिल जाए बैठने के लिए एकदम खाली। और मैं चॉकलेट लाया था, चॉकलेट खाते हुए जा रहा हूँ अपना जा चुके हैं, इसलिए पहले बस में बैठते हैं नहीं तो मोबाइल छिलने का डर रहेगा। आ चुके हैं बस में और हमको थोड़ी देर बाद सीट मिल गई क्लास पार करने के बाद। की तरफ लिख रहा है महिला सीट पर, महिला एक भी नहीं बैठी, महिला वगैरह जो खड़ी हैं, जेंट्स लोग बैठे हैं ज्यादातर। पहली सीटों पर बैठा हूँ यहाँ, हमें कोई जेंट्स बैठे या लेडीज बैठे, बोनट पे बैठा हूँ। और इन दोनों बच्चों का सही लगा, आराम से अपना बैठे आलती पालती मार के। जो अंकल आए थे हिंग का ऐड करने के लिए वो अंकल आज भी आ गए। तो करने के बाद अभी हम आ चुके हैं घर। हाँ रुक गई, मेरे घर पर भी आ चुके हैं और घर के बाहर धूल ही धूल जम रही है। सिमी को पता नहीं चले किससे प्यार करूँ किससे ना करूँ। ये आ गई है चाय ब्रेड जो कि बनाई है मम्मी ने, मम्मी भी थक गए इसलिए चाय ब्रेड ही बना दी। ब्रेड दीदी ने सेक दी, चाय मम्मी ने बना ली, मम्मी ने सेकी है। चलो कोई बात नहीं खा लेते हैं, मुझे भूख लग रही है बहुत और इतने थक गए हैं कुछ कहने की नहीं। कपड़े चेंज कर लिए मेरे सामने, घर के कपड़े पहन लिए। सिमी को मम्मी ने आगे सबसे पहले रोटी बना के सिमी को खाना दिया, सिमी ने पूरा खाना साफ कर दिया एक बार में। नाश्ता तो मैंने कर लिया एक टाइम से, उसको नाश्ता ही समझो चाय ब्रेड को। और अभी मैं करने बैठ गया हूँ अपनी वीडियो का एडिट, जो मेरी गोप्रो में 3-4 फुटेज है उसको पहले मम्मी के मोबाइल में डाउनलोड करके अपने मोबाइल में करूंगा। अपना गोप्रो तो काम पर लग चुका है वीडियो को ट्रांसफर करने में। हम बहुत थक गए थे इसलिए हम सो गए थे और अब हम बहुत ही वीडियो शूट कर पाए और अब ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज का। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में, आभार आभार अभिनंदन। और मम्मी ने अब सुबह सुबह बनाई है चाय और मैं बहुत थक गया था, आज मैं 12 बजे जगा हूँ। अब डालूंगी मिर्च का अचार, मूली और गाजर का मिक्स अचार डालूंगी, इसलिए मैंने ये धोके। मम्मी मूली का अचार अच्छा डालती हैं, स्कूल में लेके जाओ आराम से खाओ उसको। मम्मी मूली का अचार ठंडा कैसे आता है स्कूल में? सब जगह ही ठंडा होता है, स्कूल में हर जगह ठंडा हो जाता है, पर सबसे इजी इन दिनों में मूली और गाजर का अचार बहुत टेस्टी दिखता है। आते ही अदरक ली थी, अदरक हो गई थी खत्म, अदरक की चाय बनाई, फिर वहाँ पे बस में इतनी भीड़ थी कि रिकॉर्डिंग होने की कि फोन ले लग रहा था हाथ में से कोई छीन के ना ले जाए। और रोडवेज बस में इतनी भीड़ कर लेते हैं, सीट ना हो तब भी घुसाते ही रहते हैं, पब्लिक को घुसाते ही रहते हैं। आधा घंटा पौन घंटा खड़े रहने के बाद सीट मिली थी हम लोगों को और फिर घर आके। तो वो तो सरकारी है मैम, जितने ज्यादा आए उतने कम है, रूल थोड़ी है कितना है थोड़े बहुत है हमारे यूपी में, रूल ना है वरना रूल है ये थोड़ी ना कि अगर तुम्हारे पास बस वो है तो तुम बाद में भर्ती ही लोगे, ऐसे थोड़ी ना भर सकते हैं। कमरा बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि हम 3-4 दिनों से बाहर थे इसलिए कमरा भी गंदा हो रहा था, तो मैंने अपना कमरा भी साफ कर लिया। बस ये कॉपी किताब जो है ना ये नीचे लेके जानी है, बैग सब कुछ परफेक्ट लगा दिया है। और ये जो है ये कैलेंडर है तो इसको मैं नीचे लगाऊंगा, इसमें भोलेनाथ जी की बहुत ही अच्छी पेंटिंग बन रही है तो यहाँ पे मैं पढ़ाई वाली टेबल है उसके ऊपर लगाऊंगा इसको। मारा था इसलिए पंखा भी चलाया था, इतनी तेज चल रहा पंखा एकदम हेलीकॉप्टर की स्पीड की तरह, उसने मेरे पैर जो है ना कुल्फी की तरह कर दिए। पानी की बोतल जो मम्मी इसमें चाय भर के लेके गई थी। अलीगढ़ में बहुत ही ज्यादा तेज धूप निकली है और हमने गद्दा वद्दा सब सुखाने के लिए रख दिया, इसके नीचे और जम जाती है इसलिए ठंडा पड़ गया वो गीला। जे उधर हुआ देख, कोई बात नहीं सिल दे, उल्टा करा दे ना, इसके नीचे ओस जम गई थी भाई पूरा गीला हो गया था, मम्मी ने टेढ़ा करा। धूप बहुत सही निकली है भाई है, हाँ गर्मी लग रही है, इतनी धूप निकल रही है। उतार दी मैंने टी शर्ट के वो जैकेट, अब मुझसे कह रहे हैं कि तेरे पैर में ठंड लग जाएगी है कुछ पहले, अब मेरी चप्पल पहन के घूम रही है। मैं कमरा में बैठा हूँ खाने में, खाना लेता हूँ, खाना भूख लग रही है मुझे भी। खाने के बाद ये गाजर जो रखी है ना पीछे जो है मैं छीलूंगा क्योंकि मम्मी बनाएंगी आज गाजर का हलवा, और खाना भी ले लिया और चलते हैं ऊपर देखते खाएंगे खाएंगे नहीं। चलो आप भी खा लेना मैं भी खा लूंगा, मैं तो गद्दा हट जाता हूँ ऐसा लगता है इसकी कोई एकदम खाली रूम है। मेरी आवाज भी घूम रही है, हाँ आवाज भी गूंज रही है।
मेरी मम्मी ने बनाया है आज आलू बैंगन की सब्जी और मैंने दो रोटी ली है और ये है मीठे में कतली। जब खाता हूँ ना तो ऐसा लगता है इसकी रबड़ी वगैरह खा रहे हैं। तो टीवी स्टार्ट करूँ पहले वी यू लिखा था ना तो वैष्णवी उपाध्याय है शॉर्ट फॉर्म वी यू। बैठने के लिए मैंने खाली टेक के लिए ले लिया तकिया क्योंकि जब वो दीवार जो है बहुत ज्यादा ठंडी है जमीन पर बैठ जाता कोई बात नहीं बद्दी पीठ पर लग जाते हैं ठंड तो ऐसा लगता है बुखार सा आ गया। खाना भी खा लिया और जैसे मैंने खाना खाया ना खाना खा के हटा ही था इतने में तुरंत लाइट गई जैसे कि टीवी ने मेरी बेइज्जती मार दी चल बेटा तेरे नसीब में इतना ही था। हाँ मम्मी कपड़े सुखाने में लगी हुई हाँ गद्दा ठीक है। ओ भाई इतने सारे कपड़े धुले हैं आज तो धूप क्या निकल गया है बेचारे खाली सूरज की तो यही वो होती है कि अब सब लोग कपड़े धोएंगे और सूरज के इतना प्यार लग रहा है यहाँ से सारे कपड़े गंदे थे ये टी शर्ट एक साफ पड़ी थी एक लोअर साफ पड़ा था तो अब वो ही धुल गया ना कपड़े तो अब पहन पाएंगे। और ट्यूशन वाले सर मुझे देखे गए थे काम उस मतलब दो दिन पहले तो मुझे वो काम भी करना है नहीं तो सर डांटेंगे या मम्मी शिकायत करके पटवा भी सकती हैं मुझे के बाद छिलूंगा गाय अभी नहीं छिल्ला में और धूप निकली हुई है पर हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। मम्मी ने ऊपर से आवाज दी थी कि चाय बनाने के लिए रख दे तो मैं चाय बनाने के लिए रख रहा हूँ अभी मैंने बनने के लिए रख दी है। और मम्मी ने अभी आवाज दी थी कि वो गद्दा रखवा दे धूप निकले रखा और हमारे यहाँ ना गद्दा रखने से पहले दड़ी बिछाई जाती है तो उसके इसके ऊपर गद्दा बिछाया था तो भी वो उसमें हो जाता है हीटर चलता है हीटर की वजह से। हाँ तो पहले गद्दा अंदर रखता हूँ बहुत भारी है संभाल के जियो रे बाहुबली शाबाश एक मुझे फैलो भाव जाके मारे थोड़ा वो पड़ जाता शाबाश शाबाश बिछा लिया तेरा गद्दा थोड़ा 250 रुपए हो बिच गया भाई बिच दिया है और नीचे आ गए ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ने के लिए सिम्मी को बांध दिया था मैंने गद्दा रखने से पहले हमारी सिम्मी ना बदतमी करती है गद्दा को होता नहीं क्या समझती है उसको डर लगता है उस गद्दे पे अटैक कर देती है दो गद्दे फाड़ चुकी है अभी तक सिम्मी फाड़ चुकी है नहीं तू आए ना मैं रिप्लाई दे चल मेरे आंसर का क्या व्हाट्सएप पे दूंगा ओके जी हीटर है ना मैंने इसकी ऊपर आई रॉड जो है उसको सही करने की इतनी कोशिश करी बहुत सही नहीं होके थी हमारे सिम्मी चुई गुब्बारा गिरा देती चुई खोल चुकी है तो उसको छानता हूँ और नीचे देख के आता हूँ और नानी भी आ चुकी है नीचे दीदी के लिए भी चाय ले ली है लो नीचे भी आ गए ये ले चल चाय ले ले फ्री की चाय नानी मेहनत की चाय है अब पहन लूँगा ना आके के लिए चाय ले लेता हूँ फिर बैठूंगा मैथ के सवाल करने के लिए तो उसके बाद मुझे याद भी करना है और एक गाजर भी छीलनी है फेवरेट कप में मैंने ले ली है चाय और गेट फिट के हीटर चला देता हूँ क्योंकि कमरे में ठंडा पर छत पर ठंडी क्योंकि छत पर धूप दिखाई दे ही रही है बाकी मेरी मैथ की बुक और कॉपी गाजर का हलवा बनाने के लिए भी गाजर भी कस दी और थोड़ी बहुत अचार के लिए भी काट ली नानी हलवा पता ना पड़न नानी हलवा लाई थी मैं सब खा गया मैं पता ही नहीं लग रही हलवा साफ करवा जी लड़का अकेला और हमने मम्मी लेके आई मैंने डोलची में से निकाल के बाहर रखो और लला साफ कर ले डोलची में से मैंने निकालो देख लो घर पे ब्लॉग बना रहा हूँ घर वालों को जा कुछ पता नहीं है किस्त में तुम मुझे क्या दोगे कुछ नहीं मिल रहा तो फिर तुम पर मेरे 450 सब्सक्राइबर होने चाहिए 12 तारीख तक ये मेरा टारगेट है करो और रिक्वेस्ट करो कि अगर आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो सिमी जी तुम भी कुछ बोलो जी क्या मैं कुछ नहीं बोल रहा हमारी सिम्मी तो भाई गाय को देख के खेलती रहती है उछलती रंगी बार बार और साथ साथ पूछ भी लेगी नए तरीके से बनवा कैसे
बहुत इजी, बहुत आराम से मैं बना लूँ ऐसा है। मैं बताऊंगी अच्छा बनेगा ना ये बिल्कुल मार्केट बादम बादम डाले एकदम मस्त खाने का टेस्ट देखने का सब बिल्कुल मार्केट जैसा होगा और लोगों की अपेक्षा बहुत नॉर्मल टाइम लगेगा इसमें। इसमें बस ये है दो चम्मच घी डाल के कुकर में एक सीटी लगा दो और एक साइड में खोआ बना लो जो दूध आया है ना अभी उसका खोआ बनाऊंगी एक लीटर दूध का पूरा खोआ बनाऊंगी। अरे गाय कितने किलो की होंगी कम से कम? गाजर ज्यादा ना है गाजर 2 किलो होंगी मुश्किल से 2 किलो गायर में 1 लीटर का दूध के खोआ 250 ग्राम से निकलेगा खोआ तो ऐसे हाँ अच्छा दूध होता है तो 1 लीटर में 250 ग्राम निकलता है। हाँ भाई दूध तो बढ़िया देती है भाई ताई देखो दूध एक नंबर है कितने बहुत सालों से दूध ले रहे हैं बहुत ही अच्छा दूध आता है कि मम्मी इतना काम करती है कपड़े धोती है बर्तन धोती है एक ये बात कहने के 5 रुपए मिले हैं पूरे और ये बर्तन धो रही है और मम्मी के नाक और नहीं टूटते और ज्यादातर लोग जैसे घर पे कोई आया ना इत्या वगैरह दीदी की दोस्त वगैरह आती है तो उनको लगता है कि मम्मी के नाखून नकली लगाए हुए हैं और वो नाखून एकदम असली है इन सब वो नेल पेंट ऐसी करी है बताइए। हाँ कितने बड़े बड़े और ये नेल पेंट ऐसे करती है सकता है नकली है। गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया है ये डाल दी इसमें कुकर में जो है सब गाजर और इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है और खोआ बनने के लिए कढ़ाई रख दी साइड। कितनी सीटी लग रही है हमें कम से कम 1 सीटी तो जाओ ये बोल जाओ और वैसे कैसे बनते जामुन उबाल ऐसे लोग तो दूध डाल के गाजर में जब उबालते हैं हाँ हाँ। बहुत लोग ऐसे उबालते हैं कि गाजर पच जाए तब दूध दूध डालते हैं बहुत लोग ऐसे उबालते हैं कि गाजर अच्छी तरह से वो है जाए मतलब उबल जाए खोआ बन जाए तो मिक्स कर देते हैं बनी बनाए तरह के बहुत से लोग ऐसे बनाते काट काट के मिलते हैं कम से कम 250 किलोग्राम ऐसे बाहर बनते हैं 250 वैसे ही बना के दिखा दी। कालुआ तो बन ही रहा है साथ के साथ जो है मम्मी अचार भी बना रही हैं और दीदी बढ़िया दीदी दीदी आप कैसी हो बढ़िया हो दीदी आप मतलब बता का है ये मुझे नया हेलमेट दिलाएगी थैंक यू और मतलब क्या पहले दीदी मैं तो कई हेलमेट दिलाओगी क्या ना है उसने हाँ करी है इसलिए मैंने उसको ऐसे कहा था उसकी वीडियो पे मैंने कमेंट भी करा है और मम्मी बना रही है मिर्च का अचार तो बना दो हाँ मिर्च का अचार तो बना दो और ये बना रही है अभी गाजर और मूली का अचार एक साथ डाल देती है खोआ बनना मैं खोए का इंतजार कर रहा हूँ इसमें सबसे स्पेशल चीज है सिरका जी का अरे सिरका है जी कितना डालता 2 ढक्कन बहुत है ज्यादा का होगा हल्का सा खट्टा ये जामुन जामुन वाला सिरका है खट्टापन आता है और अच्छा छाप ना हो अच्छा ठीक है तो हल्का सा तेल तेल डाल दिया खोआ में डालने के लिए गोआ निकाला था गोला उसमें से मंजन सा निकला ये देखो ये कहा है खराब है बन जाएगा तब मैं ऊपर आऊंगा इवन नीचे बेसमेंट पढ़ने के लिए आ रहा हूँ दादा तुम अपने मोबाइल थोड़ी बहुत वीडियो बना लियो है ना मैं तुम फिर लगा दूंगा एडिटिंग क्योंकि मेरे मैथ के सवाल रह गए थोड़े बहुत सर के आने का भी टाइम हो जाएगा 2 घंटे बाद खोआ तो बनने वाला है थोड़े ही पल बचे हैं तो अब बैठ गई हैं ये खोआ बनाने के लिए कि वीडियो में मुझे आना है इसलिए और इनकी मैक्रोनी बनने के यहाँ पे बनना है खोवा यानी कि मावा अच्छी तरह से खुशबू आने लग गई गाजर की पीछे से बना हाथ पे छींटा आ जाऊंगी अरे मम्मी आन दो खोआ बन गया अच्छी बन गया अब इसमें चीनी डाल दी है ना कुकर में डाल रही हूँ क्योंकि कुकर में छिटकेगा नहीं खोआ बन के तैयार है बिल्कुल और इसमें डाल दी है चीनी तो चीनी में थोड़ा पानी छोड़ रहा है कुकर में इसलिए रख दिया है कि छींटे वगैरह आएंगे तो हाथों पे नहीं आएंगे अरे बाबा मैंने कढ़ाई में ही पलट लिया क्योंकि कढ़ाई में अच्छी तरह से पानी सोक हो जाता है जल जाता है और थोड़े से मैंने यहाँ पे ये गोला ये खरबूजे की मींग और थोड़े से का वो बादाम ले लिए
अब इसमें थोड़ा सा खोआ डाल दिया है। खोआ को डालते हुए थोड़ा सा चलाऊंगी। पहले थोड़ा खोआ डाला, वो थोड़ा मेल्ट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इतना सा और डालती हूँ, फिर इसको भी इसमें मिला देती हूँ। मैंने डाल दिए इसमें काजू गोला वगैरह जो मैंने मेवा इकट्ठी करी थी वो सब कुछ इसमें डाल दिए। अब चला के आपको दिखाती हूँ। और इधर हो गया हमारा गाजर का हलवा गर्मा गर्म तैयार। और इधर बन गई वैष्णवी की मैक्रोनी। और इधर गाजर का हलवा बिल्कुल बाजार जैसा नहीं, बाजार में तो बहुत बेकार चीज़ डालते हैं पता नहीं क्या क्या। और इसमें बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे दूसरी बॉल में उतार लेती हूँ। हलवा तैयार है और उसके लिए फिर मैंने पीस ली थोड़ी सी इलायची। अब इस इलायची को ऐसे करके जो वो निकल रहा है छिक्कर इलायची का वो मैं डाल देती हूँ चाय की पत्ती में। अब इसमें डाल दिया ये इलायची। इलायची को डाल के थोड़ा चला के और मैं रख लेती हूँ इस वाले कटोरे में और लगाती हूँ अपने बिहारी जी का पहले भोग, उसके बाद बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़े खोवे का है। मार्केट में तो खोवा मिलता है पता नहीं क्या क्या चीज़ मिला के बनाते हैं, इसलिए मैं हर 8-10 दिन बाद घर पे बनाती रहती हूँ, क्योंकि ये मुश्किल से 2 दिन भी नहीं चलेगा। तो अब लगा रहे हैं यहाँ बिहारी जी भोग। तो ये बैठे हैं सारे भगवान बैठे हैं, देखो सब ने गर्म स्वेटर पहन रखे हैं। तो ट्यूशन भी पढ़ लिया हूँ, अभी आया हूँ मैं हलवा देखने के लिए कि बनाया या नहीं। और देखते हैं हलवा कहाँ रखा है। हलवा यहाँ नहीं रखा किचन में। और लेकर भी ऊपर आ चुका हूँ और इसमें हलवा लूंगा। मम्मी ये खा के बैठी हैं और सुना है नहीं कल के लिए ना को मिल चुका है हलवा। अब इसको चख के देखते हैं कैसा है। बनाया तो बड़ा मस्त है, पर जो चीनी है ना उसकी मात्रा बहुत सही है। बहुत कम चीनी, हल्का सी पता चल रही है कि यहाँ चीनी डली है। मीठा भी बहुत लग रहा है। कोई हलवा ऐसा होना खाली चीनी का रस दिखाई देता है तो बहुत ही अच्छा है। इसी ब्लॉग को करते हैं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा ब्लॉग। चाहे मैं चाहूँ सब्सक्राइब मिला मिलते ब्लॉग में। तब तक थैंक यू वॉचिंग।